हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगा अचारी पनीर विद मसाला ओट्स। आइए चलें, बनाने चलते हैं। अचारी पनीर विद मसाला ओट बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर। पनीर को हम स्लाइस में काट लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इस तरह सारा पनीर को स्लाइस कर लेंगे। हम पनीर के स्लाइस में थोड़ा सा अचार डालेंगे और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे, और इस तरह हम सारा ही पनीर लेंगे। इसमें डालेंगे हम अचार का मसाला और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। पनीर के पीसीस को कवर करने के लिए हम एक बनाएंगे स्लरी। इसके लिए हम मैंने लिए हैं 2 चम्मच रिफाइंड फ्लावर, 1 चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, 1/3 बैटर बनाएंगे इसका। इस मैदे के मिक्सचर में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चिली सॉस। अब इसका बनाएंगे हम गाढ़ा सा बैटर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम मिक्स करेंगे। हमने ये बैटर बहुत गाढ़ा बनाना है और थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी हमारा बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर के साथ ये मैंने रखे हैं मसाला ओट्स। ये मैंने पनीर लिया है जिसके अंदर मैंने अचार स्टफ किया था, इसको मैं इस बैटर में से निकाल रहा हूँ। और इसको मसाला ओट में लेके जा रहा हूँ। बढ़िया कोटिंग करेंगे। ये हमने सारे पनीर में मसाला ओट कोटिंग कर दिए हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई। अब हम एक एक पीस करके फ्राई करेंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। इसमें देखिए गोल्डन कलर आ गया है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये हमने पनीर को फ्राई कर लिया है मसाला ओट के अंदर। अब इसको हम काट लेंगे। पनीर के साथ हम देंगे एक डिप जिसका नाम है मिंटी कर्ड डिप। तो इसको ये कर्ड मैंने ले लिया, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगा। बीट करने के बाद डालूँगा इसमें मिंट चटनी।
और उसको एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा अचारी पनीर विद मसाला ओट रेडी हो गया है। साथ में मैंने डिप रखी है, डिप मैंने बनाई है मिंट की चटनी बना के दही में ऐड कर दिया उसमें, और साथ में मैंने सैलड दे दिया है अनियन और टमाटो का। और ये हमारा अचारी पनीर विद मसाला ओट बन के रेडी हो गया है। इसे आप स्नैक्स में खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।